इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक आई सेंटर के बारे में कि यदि आपके सामने लिंक दी हुई है या फिर कोई ज्वाइन दिया हुआ है, जंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसमें देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका आई सेंटर कहाँ पर हो, ठीक ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि आई सेंटर क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी कोई लिंक मोशन में होती है तो उसका मोशन होता है जनरल मोशन। जनरल मोशन का क्या मतलब है कि वो लिंक ना ही प्योर रोटेशनल मोशन में होती है और ना ही प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का। तो उस मोशन को हम बोलते हैं कि लिंक जनरल मोशन में है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि लिंक जनरल मोशन में है, लेकिन यदि हम कोई एक ऐसा पॉइंट अज्यूम कर लें कि उस पॉइंट के अबाउट उस लिंक के मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन बता सकें, स्पेस में एक ऐसा पॉइंट अज्यूम कर लें कि उस पॉइंट के अबाउट उस लिंक के मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन बता सकें, तो इस लिंक का ये पॉइंट हमने स्पेस में अज्यूम किया है जिसके अबाउट हम इसके मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन बता रहे हैं, ये हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर। और मैंने डिस्क्राइब किया, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं सम बेसिक आई सेंटर के बारे में। देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेसिक आई सेंटर। एक होती है टेलिंग पेयर। टेलिंग पेयर हम कैसे बनाते हैं, आप दो लिंक लीजिए, दो लिंक लीजिए, एक लिंक दो लिंक, दोनों को एक पिन द्वारा ज्वाइन कर दीजिए। ये तो ज्वाइंट होगा, ये कहलाएंगी टर्निंग पेयर, क्योंकि ये केवल टर्न कर सकती हैं, ठीक है ना। टर्निंग पेयर जो होती है, मैंने एक लिंक ये लिया, दूसरा लिंक ये लिया, इनको यहाँ पर पिन ज्वाइन कर दिया, ये लिंक वन है, ये लिंक टू है, इनका आई सेंटर हो जाएगा जहाँ पर हमने इनको ज्वाइन किया है, जहाँ पर इनको पिन से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो जब भी कोई हम दो लिंक लेते हैं, उनको पिन ज्वाइंट द्वारा टर्निंग पेयर बना देते हैं, तो इनका आई सेंटर दोनों को जहां पर ज्वाइन करेंगे वहां पर हो जाएगा, ठीक है। लिंक ली, उनको पिन द्वारा ज्वाइन कर दिया, जहां पर ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा इनका आई सेंटर, ठीक है। दूसरा केस होता है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर कोई ये, ठीक है, ये रोल हो रही है किसी फ्लैट सरफेस पर, तो इसका आई सेंटर कहाँ पर होगा, जिस पॉइंट पर ये सरफेस को टच कर रही है वहां पर, ठीक है ना। यदि आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए माना कि एक पॉइंट यहाँ पर लिया, ठीक है, इस पॉइंट की दो वेलोसिटी रहेगी, एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण और एक रोटेशनल मोशन के कारण, ठीक है, दो वेलोसिटी रहेंगी, एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण और एक रोटेशनल मोशन के कारण। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण इसकी वेलोसिटी रहेगी ये, रोटेशनल मोशन के कारण टच पॉइंट करते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए वो हो जाएगी। अब दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये रिजल्टेंट मैंने इसका ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस पॉइंट की भी दो वेलोसिटी रहेगी, एक क्या हो जाएगी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, एक हो जाएगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, दोनों का भी रिजल्टेंट ले लीजिए, दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब इनके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये कहाँ पर टच करेगी, उसी पॉइंट पर, यानी कि जब कोई रोटेशनल मोशन होता है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, यानी ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी बी वी, ठीक है। तो जो रोटेशनल मोशन होता है या फिर रोलिंग पियर होती है, तो उनका पॉइंट या फिर आई सेंटर कहां पर होगा, जिस पॉइंट पर वो सरफेस को टच कर रही है उस पॉइंट पर होगा, ठीक है।
समझ आ गया। टर्निंग पियन में जहाँ पर हम उनको ज्वाइन करते हैं वहाँ पर होता है, जबकि रोलिंग पियन में जहाँ पर वो सरफेस को टच करती है वहाँ पर होता है उसका क्या, आई सेंटर। रोलिंग पियन हो गई। अब तीसरी कर लेते हैं स्लाइडिंग पियन। स्लाइडिंग पियर का हम केस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पिस्टन होता है ना क्रैंक एंड थ्रॉटल लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में स्लाइडिंग करता है, रोटेशनल मोशन नहीं होता, टर्निंग तो होती है। फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म में टर्निंग का केस आ जाएगा, वहां पे आप डायरेक्टली आई सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये केस भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। और तीसरी होती है स्लाइडिंग पियर। स्लाइडर स्लाइड करता है क्रैंक एंड थ्रॉटल लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में, ठीक है। चलिए इसका केस भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक सरफेस किया, इस पर स्लाइड है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट लिया, इसकी वेलोसिटी ये रहेगी, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक दूसरा पॉइंट लीजिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन में क्यों ड्रॉ करना हूँ, जब आप प्रीवियस केस देखेंगे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका स्लाइडिंग पेयर का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे टच होगा, इनफाइनाइट पे जाके टच होगा, क्योंकि जब भी आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती है कहीं पर भी, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं जाएंगी 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी और इनफाइनाइट पर जाकर साइड इंटरसेक्ट कर जाए। तो इसका आई सेंटर कहाँ पर होगा, इसका आई सेंटर होगा इनफाइनाइट पर। और जो स्लाइडिंग पेयर होती है ना उसमें हम जो आई सेंटर होता है ना उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई केसेस आएंगे आपके पास यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसका आई वन टू होगा इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब हम केस ले लेते हैं कर्व सरफेस का, फोर्थ ऑन कर्व सरफेस कॉनवेक्स और कॉनकेव, कॉनवेक्स या फिर कॉनकेव दो केस ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कॉनवेक्स कॉनकेव, ठीक है। देखिए इनका आई सेंटर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका ड्रॉ कीजिए और इसका ड्रॉ कीजिए, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो इनका आई सेंटर जो कॉनकेव या फिर कॉनवेक्स सरफेस है उनके सेंटर पर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आप इसका आई सेंटर ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ये होगी और ये लाइन ड्रॉ ये होगी, जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो इनका जो सेंटर आएगा वहां पर होगा, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट वन है, ये टू है, आई वन टू ये हो जाएगा, ये वन है ये टू है, तो इसका हो जाएगा आई वन टू। इस तरह आप बेसिक आई सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैकेनिज्म का, क्योंकि कुछ आई सेंटर ऐसे होते हैं जो आप देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप आई सेंटर कैसे निकालेंगे। आई सेंटर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आई सेंटर एन एन माइनस वन, या फिर एल लिख लीजिए, एल ज़्यादा बेटर रहेगा, एल एल माइनस वन बाय टू, एल होती है नंबर ऑफ लिंक्स। देखिए माना कि आई सेंटर है कितने, माना कि नंबर ऑफ लिंक है फाइव, तो आई सेंटर हो जाएंगे टेन। अब ये टेन आई सेंटर आपको किस तरह लिखने हैं मैं बता रहा हूँ, टेन आई सेंटर आपको किस तरह लिखने हैं, फॉर्मूला होता है एल एन माइनस वन बाय टू, आई सेंटर कैलकुलेट करने का फाइव, फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 बाई 2 आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब आपको 10 आई सेंटर लिखने हैं, आप 10 आई सेंटर कैसे लिखेंगे, तो लिखिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए आई वन टू, आई वन थ्री, आई वन फोर, आई वन फाइव, इसके बाद आप क्या कीजिए एक आगे बढ़ जाइए आई टू थ्री, आई टू फोर, आई टू फाइव, एक और आगे बढ़ जाइए आई थ्री फोर, आई थ्री फाइव, आई फोर फाइव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इस तरह आप आई सेंटर लिखने हैं, आपको आई वन वन तो होगा नहीं क्योंकि एक लिंक होगी,
एक दो को ज्वाइन करेगी तो आई वन टू बनेगा, वन थ्री बनेगा, वन फोर वन फाइव, टू थ्री टू फोर टू फाइव, थ्री फोर थ्री फाइव फोर फाइव, तो कुछ बेसिक आई सेंटर आपको मिल जाएंगे। फिर आप क्या कीजिए, ऐसे कैलकुलेट करते जाइए, इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यदि आप सारे आई सेंटर ऊपर से निकालते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो आई सेंटर आप कैलकुलेट करेंगे, वैसे तो कुछ आई सेंटर आप निशाना लगा लीजिए वो हो जाएंगे, फिर इसके बाद जो आई सेंटर आप कैलकुलेट करेंगे ना वो आपकी मदद करेंगे अगले आई सेंटर को निकालने में। यदि आप डायरेक्टली जंप करेंगे ऐसे कि आप ये आई सेंटर निकालना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं आएगा, शायद आपका आई टू फोर की जरूरत पड़े और टू फोर तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसलिए आप पहले ऊपर से कैलकुलेट करके जाइए, नीचे डायरेक्टली जंप मत होइए। तो इस तरह आप कुछ बेसिक आई सेंटर याद रखिए, इनकी मदद से आप जो बाकी बचे हुए आई सेंटर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आई सेंटर क्या हुआ है उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये बात हो गई कुछ बेसिक आई सेंटर की, टर्निंग पेयर का एट द जंक्शन, रोलिंग पेयर का एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग पेयर का इनफाइनाइट पे, क्योंकि जो स्लाइडिंग होगी वो इनफाइनाइट पर जाएगी, कर्व सरफेस का एट द सेंटर ऑफ द कर्व, ठीक है ना। तो इस तरह आप बेसिक आई सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है एल एल माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ आई सेंटर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि लिंक चार है तो नंबर ऑफ आई सेंटर होंगे सिक्स, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लिंक पाँच है, आई सेंटर होंगे दस, कैसे लिखना है ऐसे लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू।